हेलो एवरीवन, गेट क्लियर। स्वागत आप लोग को। तो मैं आज देखता हूँ आज कौन सा वीडियो क्रिएट करेंगे हम जो कल लिए थे, एक थीम लिए थे जो है हम ह्यूमेन करके एक थीम लिए थे। उस थीम के बारे में हम कस्टमाइज करेंगे। हम यहाँ देखो, टॉप फाइव बेस्ट थीम के बारे में हम कल डिस्कस किए थे। उसमें से हम एक थीम लिए थे और वो थीम कस्टमाइजेशन मैं फिफ्थ वीडियो में बता रहा हूँ। तो इससे पहले जो वीडियो देखो आप तो समझ जाओगे, उसके बाद ही आप फिफ्थ वीडियो आप समझ आएगा। तो चलो चलते। ये मैं एक ब्राउज़र खोल लेता हूँ और इसमें से यूजर नेम पासवर्ड एंटर करने के बाद लॉगिन कर ले रहा हूँ मैं। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड ऐसे दिखेगा। जब वो मैं हम थीम को एक्टिवेट करने के बाद डैशबोर्ड ऐसे शो होगा, तो बिगिन इंस्टॉलिंग पड़ेगी। जब भी कभी भी अभी देखो, एक थीम को इंस्टॉल करने के बाद उसके बाद है ना, जो भी उनके साथ जो प्लगइन्स और जो भी चीज़ उसके साथ जुड़ा हुआ है वो सारे ए टू जेड आ जाएगा आपके साथ। तो हमको डैशबोर्ड में दिखाएगा जो भी उनके थीम के साथ आया, जो भी निबली बिल्डर करके एक थीम आ रखा है वो यहाँ शो कर, इसको इंस्टॉल करना ज़रूर है करके बोलता है। तो हम इसको इंस्टॉल भी कर सकते हो, इसको देख के भी देख कर सकते हैं। ये अच्छा है नहीं कर, अच्छा है होगा तो इसको हम रखेंगे, नहीं अच्छा नहीं होगा तो इसको डिलीट कर देंगे। तो फिलहाल मेरे को ये अच्छा नहीं लगा और इसको मैं इंस्टॉल नहीं किया हूँ। तो आपको भी इसको देखना, ट्राई करो, और अच्छा नहीं लगा तो फिर कोई दूसरा यूज़ करो आप। तो मैं चलता हूँ अपियरेंस में जाता हूँ और कस्टमाइजेशन में चलता हूँ। सीधा हमारा क्लास है कस्टमाइजेशन, उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। ये हमारा साइट है, ऐसे लुकअप दिखा रहा है, देखो ये हमारा साइट है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको, ये ऊपर होम पेज आएगा, उसके बाद क्लोजर आएगा। तो ये भी गाइड क्लियर है, यू आर इन कस्टमर गाइड क्लियर, आपका साइट का नाम आ जाएगा। और एक्टिवेट ह्यूमानो, ह्यूमानो में हम चेंज करते हैं, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं हम। और उसके नीचे आएगा अपग्रेड ऑटो ह्यूमन प्रो, तो हम यहाँ से भी इसको अपग्रेड करा सकते हो। तो इसको गो अपग्रेड का प्राइस दिखाता हूँ मैं, और नीचे आ जाए देखो, इसका अपग्रेड का प्राइस इज ह्यूमन प्रो $39 से और ह्यूमन प्रो अल्टीमेट $69 से। तो इससे ज़रूरत हमको ज़रूरत है नहीं इतना इतना हैवी पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है शुरू में। तो हमारा साइट कुछ पैसा आ जाएगा हमारे साइट में, तो उसके बाद हम इसको ले सकते हैं प्रो, ह्यूमन प्रो में। तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं फिलहाल और चलते हैं हम, यह देखो वेब पेज डिज़ाइन, इसमें चलते हैं सबसे पहले। और वेब पेज डिजाइन में सबसे ऊपर दिखा रहा साइट आइडेंटिटी और लोगो टाइटल टैगलाइन एंड साइट आइकॉन। तो इसमें से चार चार ऑप्शन दे रखा है ये लोग, तो इसमें से चलता हूँ मैं। इसमें से देखो, डिस्प्ले द साइट टाइटल इन द हेडर, तो इस हेडर के ऊपर डिस्प्ले चाहिए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो इसको क्लिक कर हटा देना है, और हटा देना तो वहाँ डिस्प्ले चल गया देखो। और इसमें से एक और ऑप्शन दे रखा है हमको, जब भी हम कस्टमाइज करते हैं, जो है पेंसिल आइकॉन दिखा रहा है ना, पेंसिल पेंसिल राउंड आइकॉन करके दिखा रहा है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो सीधे सीधे आप देखो यहाँ बगल में लेफ्ट साइड में यहाँ पेंसिल आइकॉन दिखा रहा है। इस इधर क्लिक किया हूँ, सीधा यहाँ शो अप हो रहा है देखो। फिर इसको मैं क्लिक किया हूँ, सर अब देखो हम साइड कहीं दूसरा जगह है। अब यहाँ देखो, इसको मैं ओपन नहीं किया हूँ और यहाँ आइकॉन को दबाऊंगा मैं, देखो सीधा वहाँ ओपन हो रहा है। तो यह शॉर्टकट है, शॉर्टकट मेथड दे रखा है इसमें, तो हर थीम में रहती है। और इसमें से हम आइकॉन अपना गाइड क्लियर के नाम रखना है तो ठीक है, यहाँ टिक कर दीजिए, नहीं रखना है तो हाँ। और एक चीज़ है, यहाँ लोगो भी रखना है तो लोगो भी डाल सकते हो आप। यहाँ देखो मैं एक लोगो सेलेक्ट कर लूँगा, मैं एक लोगो अपलोड कर लेता हूँ मैं। ये लोगो अपलोड कर लिया मैं इसको। इसमें से देखो, आप SEO क्लास में बताऊंगा यह टाइटल कैसे रहना है, कैप्शन ऑल टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, SEO क्लास में स्टोर करूँगा तब बताऊंगा मैं। इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, इसमें से आइकन थोड़ा कम आ रहा था, इसको बढ़ा लेते हैं, चलो ठीक है। क्रॉप क्रॉपिंग, यहाँ देखो साइड में आप लोगो आ जाएगा ना, देखो यहाँ साइड में लोगो आ गया ना साइड में। तो देखो हमको यहाँ देखो ऊपर, तो हेडर का नाम नहीं चाहिए आपको, डिस्प्ले लोगो इन हेडर,
हेडर से हेडर आ गया, और हमको हेडर नहीं चाहिए, हमको चाहिए बस एक ये चाहिए, हमको नाम चाहिए, मतलब नाम। तो लोगों का ऐसा, और हेडर सही है। और देखो हेडर प्लस लोगो रहने का तो ये मना कर रहा है, एक ही रहने के लिए बोल रहा है, तो इसको हटा देंगे तो ये रह रहा है, इसको हटा देंगे तो ये कौन सा भी लगा सकते हो आप, एक ही लगाना पड़ेगा, तो मैं इसको ही लगाने देता हूँ। और उससे नीचे आ जाएंगे, यहाँ देखो टैग लाइन, ये टैग लाइन में मैं लिखता हूँ यूट्यूब करके लिखता हूँ, देखना यूट्यूब, ये देखो यूट्यूब करके लिख दिया, तो इसके नीचे हम आएंगे तो यहाँ यूट्यूब करके शो हो रहा है, यहाँ देखो यूट्यूब करके आ रहा है। तो उसके बाद हम आएंगे डिस्क्रिप्शन, जो आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन क्लिक कर सकते हो आप, तो देर डिस्क्रिप्शन द टाइप हियर टू नेक्स्ट टू योर लोगो, तो लोगो को नीचे कर सकते हो, नहीं तो डिस्प्ले योर साइट डिस्क्रिप्शन टैग लाइन, तो यही डिस्क्रिप्शन रहना चाहते हो आप यूट्यूब करके ना, यही डिस्क्रिप्शन रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो बोल रहा है, तो हम यही रहना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। टैगलाइन रह सकता है, यहाँ शो अप नहीं होना चाहिए आपको, तो इसको हटा देंगे तो यहाँ टैगलाइन नहीं रहेगा, तो हम यहाँ आ जाए कोई। अब देखो साइट आइकॉन, साइट आइकॉन को तो ज़रूरत है, साइट आइकॉन मतलब क्या है मैं बताता हूँ, एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं जो भी, अभी देखो मैं यूट्यूब खोलता हूँ मैं, ये देखो ये ऊपर दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं यूट्यूब का जो साइट आइकॉन दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं साइट आइकॉन, तो हमारा इधर भी साइट आइकॉन लगाना चाहते हैं, तो हम यहाँ भी साइट आइकॉन लगाना चाहते हैं, यहाँ सेलेक्ट इमेज करके इसको मैं लगाना चाहता हूँ, देखो आप ये साइट आइकॉन रहेगा, देखो यहाँ यहाँ शो हो रहा है ना, आप प्रीव्यू में देखो ये बगल में यहाँ शो हो रहा है गाइड क्लियर का जो आइकॉन, ऐसे शो होगा, तो हम इसको क्रॉप इमेज करके ऐसे लगा सकते हैं हम, तो ये आ जाएगा ऐसा। और ये हो गया, हमको ये होने के बाद हम फिर बैक आ जाएंगे, और फिर यहाँ था जनरल डिजाइन ऑप्शंस, इसमें आएंगे तो हम देखो इसमें से देखो हमको वर्ड्स देखे, हम अभी हम देखते हैं हमको ये वर्ड्स चाहिए, इसका साइज़ भी हम अपना लेटर्स का जो साइज़ और स्टाइल वगैरह हम यहाँ फ्रंट हम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ जो भी सेकंड ऑप्शन में, तो ये देखो ये कैसा रहता है, देखो ये सही हो तो इसको लगा लेते हैं, और उसको सेट योर वेबसाइट डिफॉल्ट फ्रंट साइड इन पिक्सल, पिक्सल साइज भी वहाँ आप सेट कर सकते हो, और विड्थ साइज भी यहाँ से सेट कर सकते हैं हम, तो हम थोड़ा नीचे आ जाएंगे बॉक्सर लेयर, ये बॉक्सर लेयर देखो यूज़ कैसे रहता है, हम इसको क्लिक कर दिया, हम यहाँ क्लिक करने के बाद इसका लेआउट देखना, पूरे यहाँ ग्राफ आ गया ना, मेरा जो क्रजर को देखना यहाँ पूरा क्लोज हो गया, पूरा क्रजर क्लोज हो गया क्या, इसको हम हटाएंगे, हटाने गैप आ गया या जो ये कलर एक शो अप हो रहा है ना, इसको मेरा इसका जो डिस्टेंस थोड़ा गैप आ गया, तो हम इसको अटैच करेंगे ना, साइड डिजाइन थोड़ा अलग लुक दिखेगा, देखना इसको ऐड कर दिया हम, तो ऊपर वाला जो हेडर वाला जो कलर और नीचे वाला कलर दोनों सेम टू सेम बॉर्डर भी विड्थ भी एक साथ मिल चुका है, तो इस तरह का रहना चाहिए। और फिर हम यहाँ देखो उसके बाद आ रहा है बॉक्स लेयर के बाद साइड बार विड्थ, साइड बार विड्थ में 30px पैडिंग ऑफ विडजेट आ रहा है, इसे हम 20 भी कर देंगे, तो ये देखो अंदर चले जा रहा है जो पेंसिल आइकॉन अंदर भी जा रहा है, तो इससे अच्छा हमको 30 रहना सही रहता है। उसके बाद हम कलर, ये प्राइमरी कलर यहाँ देखो प्राइमरी कलर यहाँ रहता है, तो इसको प्राइमरी कलर को हम मैं क्या करते सेलेक्ट कर ले रहा हूँ मैं प्राइमरी कलर को, सेलेक्ट कलर देखा यहाँ मैं रेड कर लिया हूँ, और नीचे में आएंगे सेकेंडरी कलर्स को, ये सेकेंडरी कलर में इसका मेन चीज़ रहेगा हम एक कौन सा भी एक ये कलर ले लेता हूँ मैं सेलेक्ट कलर, इमेज बॉर्डर रेडियस भी आप लगाना तो लगा सकते हो, और डिस्प्ले आइकॉन नेक्स्ट टू एक्सटर्नल लिंक्स और ओपन एक्सटर्नल लिंक्स लगाना है, तो साइट वाइट बॉडी कलर, यहाँ देखो बॉडी कलर कौन सा रहने के लिए दिखा रहा है, तो हम यहाँ कौन सा सेलेक्ट करेंगे, ब्लू सेलेक्ट करता हूँ मैं, इसको ब्लू सेलेक्ट करने से कारण देखो अभी मैं कोई लिंक कैसे करता हूँ, देख ऐसा ब्लू कलर आ जाए, अभी मैं यहाँ ग्रीन कलर सेलेक्ट करता हूँ ये कलर, इसको करने के बाद मैं यहाँ कोई रिफ्रेश करता हूँ, फिर हेलो वर्ल्ड करके मैं इसको क्लिक करता हूँ लिंक को, ऐसा ग्रीन कलर शो अप हो जाएगा, तो इस तरह का है, तो
आप समझ गए होगा। तो उसके बाद फिर हम वापस चलेंगे, वापस जाके सोशल लिंक्स, अब सोशल लिंक्स के बारे में देखेंगे। ऐड न्यू, ऐड तो यहाँ सोशल अकाउंट। अब देखो यूट्यूब ए करके देखेंगे, यूट्यूब यूट्यूब है तो इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। और यहाँ देखो यूट्यूब, ये मेरा चैनल में चले जाएंगे, माय चैनल, और ये ऊपर वाला लिंक है ना, इसको टोटल क्लिक में कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आके मैं पेस्ट कर लेता हूँ, एडिट कर दिया हूँ। तो यहाँ आ गया यूट्यूब का लोगो, और यूट्यूब का लोगो आप चेंज भी कर सकते हो, इसका जो लोगो देखना दो तरह का आइकॉन दे रखा है, वो मेरे को ऐसा चाहिए तो इस तरह का दे रखा है आइकॉन। और फिर यहाँ भी पेस्ट करता हूँ मैं, देखना देखो दो आइकॉन दे रखा है, ऐसा वाला ये चीज़ दोनों दे रखा है। तो हमको इस तरह का आपको दे रखा है, तो इसमें से हम कर सकते हो। इसमें से देखो हम याहू भी है, एक हेल्प है, यूट्यूब और फेसबुक भी है, इसमें व्हाट्सअप भी है, देखो व्हाट्सअप भी है और फेसबुक भी है इसमें, तो बहुत सारे थीम भी है इसमें, ट्विटर, टम्बलर, ट्रेलो, टेलीग्राम, ये बहुत सारे सोशल नेटवर्क का जो सोशल अकाउंट्स भी है इसमें, सारा फ्री में मिल रहा है आपको। तो दूसरा चीज़ एक चलेंगे फ्रंट पेज कंटेंट। आप फ्रंट पेज कंटेंट में देखिए, फ्रंट पेज कंटेंट में और वेब पेज डिज़ाइन, वेब पेज डिजाइन आ रहा है, तो ये लोगो, टाइटल, फ्रंट कलर, सोशल लिंक्स ये आ रहा है, तो वो हम देखे थे ना पहले। और उसके बाद ये फ्रंट पेज कंटेंट में हमको आ रहा है, इसको देखो इसमें इनरेट ग्लोबल लेआउट, और एक कॉलम रहना चाहिए हमको फ्रंट पेज, होम पेज, हमको एक कॉलम रहना चाहिए, एक कॉलम ये फ्रंट पेज है ना, होम गाइड के लिए होम पेज में चले जाएंगे हम। होम पेज में जाने के बाद हमको इसके बारे में दिखाई देगा यहाँ, तो ये होम पेज हमारा। तो यहाँ मैं देखो एक कॉलम, एक कॉलम करेंगे तो पूरा एक ही कॉलम हो जाएगा, देखो पूरा एक ही कॉलम हो गया। हमको चाहिए दो कॉलम में चाहिए, एक लेफ्ट में चाहिए कंटेंट का जो रहना है मेन, लेफ्ट में चाहिए करके इसमें शो ऑफ करेंगे। तो यहाँ देखो यहाँ देखो कंटेंट लेफ्ट में है, यहाँ देखो यहाँ देखो कंटेंट लेफ्ट में, और हमको राइट में चाहिए, तो कंटेंट हमको राइट में चाहिए, यहाँ कंटेंट लेफ्ट में आ गया, ये जो राइट में आ गया, तो हमको इसी तरह का रहना तो सही रहता है, मेरे को अच्छा ही लग रहा है। तो आप उसी तरह से आप देख लो कौन सा भी, थ्री कॉलम चाहिए, दो कॉलम में चाहिए, वो कंटेंट कैसे किससे रहना है, वो सारे चीज़ है। और यहाँ देखो आप लेटेस्ट पोस्ट करना है, कुछ भी करना है इसमें चेक कर सकते हो आप आराम से। और डिस्प्ले कस्टम हेडिंग फॉर्म योर ब्लॉग, यहाँ है ना, इस पर आप चेंज भी कर सकते हो, गाइड क्लियर करके आप ब्लॉग हटा के यूट्यूब भी लग सकते हो, लिख सकते हो आप। मैं देखो यहाँ यूट्यूब पर के लिख रहा हूँ, यू ट्यूब, तो यहाँ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, देखो यूट्यूब करके आ गया। और उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो यहाँ देखो अप्लाई फॉर कैटेगरी फिल्टर टू योर होम ऑन ब्लॉग पोस्ट आर, तो यहाँ हम कोई भी आपका कैटेगरी से तो कैटेगरी भी सेलेक्ट कर सकते हो होम पेज में सीधा आने के लिए, तो कोई इसमें प्लगइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और स्टैंडर्ड लिस्ट में चाहिए तो यहाँ देखो स्टैंडर्ड लिस्ट, देखो ओरिजिनल डायमेंशन में चाहिए ओरिजिनल डायमेंशन दे रखा है, और एक्सपर्ट लेंथ, लेंथ कितना चाहिए, और फ्यूचर पोस्ट ऑन टॉप ऑफ द योर ब्लॉग रहना तो क्लिक करिए, और कैटेगरीज कैसे रहना है वो भी क्लिक करिए यहाँ पर, और फ्यूचर पोस्ट काउंट कितना रहना है, और डिस्प्ले फुल कंटेंट, और फुल करने दिखाना है तो थोड़ा स्लाइड शो में दिखाना है तो उसको को भी क्लिक कर सकते हो, एनिमेटेड योर फ्यूचर पोस्ट विथ ए स्लाइड शो तो इसको भी क्लिक कर सकते हो। और बहुत सारे ऑप्शन इसमें दे रखा है, तो ये मैं बोला था बहुत अच्छी थीम है, और हमको फ्री में इतना दे रहा था, हमको प्रो, आप प्रो ऑप्शन लेंगे तो कितना लेंगे, अपग्रेड टू ह्यूमन प्रो ले तो और कितना ऑप्शन देगा आप सोचो देख। और उसमें से चलेंगे उसके बाद हम हेडर डिजाइन, और हेडर डिजाइन में देखिए आप साइट आइडेंटिटी, लोगो, टाइटल, टैगलाइन, साइट आइकॉन, तो वही सेम हम जो पहले देखे थे, पर इसमें थोड़ा कोई ऑप्शन दे रखा है देखते हम, तो कुछ ना ऑप्शन नहीं है, सेम उसी तरीके से वही से ऑप्शन यहाँ देखा दे रखा है फिर हमको। और हेडर डिजाइन और कलर अदर्स, अब यहाँ देखो
हमको साइट टाइटल इन द हेडर डिस्प्ले, तो ओके लोगो के ऑप्शन पर यही देख रहा है, डिस्क्रिप्शन टैगलाइन करके ये देख रखा है, फिर दोबारा दे रखा है, और टॉप बार बैकग्राउंड का देखते हैं हम यहाँ, ये टॉप बार बैकग्राउंड और द हेडर बैकग्राउंड का देखते हैं। हेडर बैकग्राउंड हम ब्लैक करेंगे और रेड करेंगे, तो रेड रेड भी कर सकते हो, और ब्लू करें तो ब्लू भी कर सकते हो। मैं ब्लैक ले के सेलेक्ट कलर करता हूँ, और हेडर मेनू बैकग्राउंड, अभी तक हम हेडर का मेनू बैकग्राउंड का अभी लिया नहीं, अब तक अब मेनू का अभी तक क्रिएट किया नहीं, मेनू क्रिएट नहीं किया था अभी तक, तो हमने उसको क्या करेंगे रेड कर लेंगे, तो देखते हैं उसके बाद चेंज करना, चेंज कर लेते हैं। और मोबाइल मेनू बैकग्राउंड भी हमको ब्लैक ही रहेंगे, मेनू बैकग्राउंड यहाँ कह लेंगे, हेडर मेनू बैकग्राउंड कह लेते, ये कर लेते, तो इधर भी रेड ही लेंगे, तो सेलेक्ट कलर और अप्लाई ये सेमी ट्रांसपेरेंट फिल्टर टू द टॉप बार एंड मोबाइल मेनू और स्क्रोल, तो उसको एक्टिव रहने दीजिए, वो आपको समझ जाओगे। मोबाइल के बारे में अभी इसके बारे में बता रहा हूँ, देखो अब मोबाइल व्यू यहाँ है ना, ये हाइट कंट्रोल का यहाँ देखो, टैब टैब व्यू, तो टैब व्यू दिखेगा आपको, ऐसे दिखेगा साइट आपका, और मोबाइल व्यू ऐसे दिखेगा, देखो मोबाइल व्यू, ये सब मोबाइल व्यू में ऐसे दिखेगा आपको, देखो यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हो, पूरा पूरा सर्च कर सकते हो, और मेनू रहेगा तो मेनू भी आ जाएगा आपको, इस तरह करेगा साइट। तो हम डेस्कटॉप व्यू में कर लेते हैं, उसके बाद ऊपर से आके और बैक आएंगे, तो उसके बाद हेडर एडवर्टाइजमेंट विडजेट, तो यहाँ देखो सबसे पहले दे रखा है डिस्प्ले ये विडजेट इन योर हेडर, ओके विडजेट हेडर के ऊपर चाहिए तो वो बोला था, और डिस्प्ले हेडर विडजेट जोन टू डेस्कटॉप डिवाइस, यस, और डिस्प्ले हेडर विडजेट जोन ऑन मोबाइल डिवाइस, मोबाइल यहाँ आपको ज़रूर चाहिए आपको पक्का, यहाँ इस कॉलम में आपको ऐड का रिक्वायरमेंट है, कोई विडजेट का रिक्वायरमेंट है तो लगा सकते हो करके यहाँ दिखा रखा है, तो उसको एक्टिवेट करना है तो एक्टिवेट कर सकते हो आप, नहीं चाहिए तो नहीं छोड़ दो। और फिर नीचे हेडर इमेज, हेडर इमेज तो यूज मतलब ये पूरा हेडर है ना, यहाँ इस पोर्शन में आपको इमेज लगाना है, तो यहाँ क्लिक करो और जो भी इमेज यहाँ सेलेक्ट कर लो। अब देखो ये इमेज मैं लगाना चाहता हूँ, तो सी देखो पूरे इमेज आएगा, वही उसी तरह से कोई भी वीडियो कोई इमेज आप लगाना चाहते हो, तो देखो 1380x280 पिक्सल में रहना चाहिए इमेज लगाना चाहिए, तो आपको इसका याद रखना, तो इस तरह का रहना चाहिए, हम कोई इमेज नहीं चाहते, इसको हटा देंगे और बैक आएंगे, और उसके बाद देखेंगे यह मोबाइल सेटिंग स्क्रॉल व्यूअर, ये देखो यूज पेज मेनू हैज बीन असाइंड, तो यहाँ देखो हमको मोबाइल व्यू में लगा लेते हैं इसको, ये मोबाइल व्यू हम यहाँ रिवॉल्व ऑन स्क्रॉल अप ऑलवेज विजिबल करके दिखा दे, और डेस्कटॉप डिवाइस डिस्प्ले सर्च फील्ड, डिस्प्ले सर्च फील्ड इन टॉप मेनू हेडर मेनू वो भी सेलेक्ट कर लो, और मेनू सेटिंग फॉर मोबाइल डिवाइस टॉप बार हेडर मेनू टॉप बार सर्च फील्ड, तो मैं हेडर मेनू करता हूँ, और यहाँ देखो मोबाइल डिवाइस टॉप मेनू विजिबल ऑन स्क्रॉल ऑलवेज विजिबल, और ऑलवेज नॉट विजिबल कर मतलब रिवॉल्व ऑन स्क्रॉल ऑन टॉप, स्क्रॉल एंड ऑफ करके भी कर सकते हो, इसी तरह से आप कर सेट भी कर सकते हो इसी तरह से, और इसको मैं बैकग्राउंड जाके हेडर डिजाइन हो गया, इसके बाद मैं जाके मेन बॉडी डिजाइन के ऊपर जाता हूँ, तो मेन बॉडी डिजाइन के ऊपर तो कॉलम लेआउट तो हम यहाँ ग्लोबल लेआउट मतलब सारे जगह ऐसे रहता है, और कॉलम लेआउट फॉर होम टू कॉलम्स ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है हम, तो हम नीचे आएंगे कॉलम लेआउट सिंगल में हमको दो ही करेंगे, सारे में दो ही करेंगे, तो उसी तरह से आपका जो साइट अच्छे से रहता है, बार बार दिक्कत नहीं है, फिर सारे में दो दो कर लो, तो इसमें मैं दो करता हूँ, सारे में दो कर लिया, तो उसके बाद दो कॉलम करने के बाद हम क्या चाहिए साइड बार डिजाइन एंड मोबाइल सेटिंग, साइड बार में देखो साइड बार बैकग्राउंड कलर, यहाँ साइड बार में बैकग्राउंड कलर क्या दे रखा है कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हम यहाँ साइड बार बैकग्राउंड कलर में रेड कर लेंगे, और सेलेक्ट कलर कर लेंगे,
तो नीचे आ जाएंगे पोस्ट नेविगेशन, लेफ्ट साइड रहना है राइट साइड रहना है, ये हमको राइट साइड चाहिए तो राइट साइड, नेविगेशन सिंगल पोस्ट राइट साइड चाहिए तो राइट साइड, और मेक साइड बार स्टिक ऑन स्क्रॉल, मेक साइड बार स्टिक ऑन स्क्रॉल मोबाइल डिवाइस में भी और डेस्कटॉप में छोड़ दो, और 30 पैक से सब रहने दीजिए, और सीधा ऊपर आ जाएंगे हम बैक, और फिर पोस्ट लिस्ट डिजाइन एंड कंटेंट ब्लॉग आर्चीव, इसको हम इसमें आएंगे तो गाइड क्लियर सब हेडिंग अप्लाई कैटेगरीज फिल्टर ये सारे देख लीजिए आप, ये सब ये सिंपल चीज़ है, इसमें से आपको डरने का ज़रूरत नहीं, कोई भी चीज़ है फिर चेंज आराम से कर सकते हो आप इसमें से ये सारे चीज़, और इस थंबनेल सेटिंग, थंबनेल कैसे रहना है आप कोई भी चेक कर सकते हो यहाँ पर, और कमेंट्स सेक्शन भी कैसे आपको पोस्ट कमेंट चाहिए, पेज कमेंट, थंबनेल कमेंट ये भी चेक चेक कर सकते हो आप कैसे चाहिए, और फुटर डिजाइन आ गया, फुटर डिजाइन तो हम इसको डेस्कटॉप पे ले रहे थे हम अपना साइट को, तो यहाँ देखो डिस्प्ले फुल विड्थ एरिया इन योर फुटर यूज डिफॉल्ट मेनू, आप जो भी चाहिए एक्टिवेट कर लीजिए, उसमें से कॉलम कितना चाहिए आपको, एक चाहिए एक डिजिबल चाहिए डिजिबल, तो मतलब ये कॉलम फुटर में आ जाएंगे, ये फुटर 3 दे रखा है ना यहाँ, तो हम इसको डिजेबल कर लेते हैं अभी फ़िलहाल, हमको ज़रूरत नहीं, जब ज़रूरत आएगी तब हम एक्टिवेट कर लेंगे, पहले तो हमारा साइट तो आराम से अच्छा दिखना चाहिए, तो उसके बाद जो अपलोड योर कस्टम लोगो इमेज कर सकते हो, और फुटर बैकग्राउंड आप चेंज भी कर सकते हो, फुटर बैकग्राउंड हम वहाँ में हेडर ब्लैक होते हैं इधर भी नीचे भी ब्लैक रहेंगे, और फुटर क्रिएट टेक्स्ट तो यहाँ देखो रिप्लेस फुटर कॉपीराइट टेक्स्ट, तो यह हम यहाँ एक्टिवेट कर सकते हो, इसको हटा देंगे तो फुटर क्रिएट टेक्स्ट को देखो यहाँ क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा बोर्ड बाय डिजाइन विथ द ह्यूमन थीम करके, इसको हटाएंगे हम तो ऑटोमेटिक हट जाएगा, और यहाँ देखो रिप्लेस विद फुटर तो कॉपीराइट एट द रेट करके भी आप लग सकते हो, इसको देखो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, और इधर ही बताता हूँ मैं इसको हम पेस्ट, और हमको कॉपरेट अर्दर टूर इसको हटा के इसको कट करके मैं यहाँ कॉर्नर में लगा सकता हूँ, तो यहाँ वही शो होगा देखना, जो यहाँ जो टाइप होगा यहाँ नीचे भी वही शो होगा, देखो ऑल राइट रिजोर्ड गाइड क्लियर दर कॉपरेट दिखा, तो इसको हम हटा देंगे यहाँ डिफॉल्ट में, यहाँ हम हटा दिया डिफॉल्ट में वही आएगा देखना गाइड क्लियर कॉपीराइट 2019 ऑल राइट रिजोर्ट करके आ गया, यहाँ यहाँ देखो सोशल का आइकॉन्स आ जाएगा यहाँ, फिर यहाँ टॉप यहाँ क्लिक करें तो सीधा टॉप पे चले जाएंगे हम, तो इस तरह का थीम है यहाँ, इसको कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ नीचे आ जाएंगे हम मेनूज, मेनूज के बारे में मेनूज एक्टिवेट करना तो यहाँ क्रिएट मेनू बार भी कर सकते हो आप, क्रिएट मेनू बार यहाँ से भी कर सकते हो आप, और कोई भी मेनू हो तो मेनू करना तो होम करके करके मेनू भी क्रिएट कर सकते हो, मेनू करता ऐड आइटम, मेनू का आइटम देख होम पेज है ये चीज़ें, तो मेनू का आइटम इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे हम, जो सेव करने के बाद ऊपर आ गया और ये भी आ गया, तो हम इसके बाद चलेंगे हम मेनू ऐड कर दिया, और उसके बाद डायनामिक साइड बार विडजेट, डायनेमिक साइड बार विजेट प्राइमरी देखो, और जो भी प्राइमरी का जो रहता है इसमें से ऐड करना तो ऐड कर सकते हो आप, यहाँ नीचे से ऐड विजेट कर सकते हो, जो भी ऐड विजेट रहेगा आपको, जो कैलेंडर ऐड करना, कैलेंडर कैटेगरी सब बहुत सारे रहता है इसमें, और नीचे आ गए तो उससे नीचे कोई भी आपको SEO टाइटल रहना तो देखो यहाँ एडवांस ऑप्शन में भी दे रखा है स्मूथ स्क्रॉलिंग, तो इनेबल स्क्रॉल स्क्रॉलिंग भी एक्टिवेट कर लो, मोबाइल डिवाइस में रेस्पॉन्सिव रहना है तो मेक फ्रंट पेज फ्लेक्सिबल इनेबल ऑप्शन टू दे अचीव स्केलेबल हेडलाइन फील, तो इसको भी एक्टिवेट करना है तो मोबाइल व्हील में चले जाओ और इसको एक्टिवेट कर लीजिए, तो एक्टिवेट कर लीजिए उसके बाद हमने इसको बैक आके सर्च रिजल्ट में जाके इंक्लूडिंग इमेज इन सर्च रिजल्ट में चाहिए तो सर्च रिजल्ट में भी एक्टिवेट कर लो, उसमें बाद आ जाओ बैक परफॉर्मेंस SEO, परफॉर्मेंस जो भी आपको ऑप्शन रहेगा उसमें से क्लिक कर लीजिए, और एडिशनल CSS होगा तो वो भी देख लीजिए, हाँ कोई भी CSS आपको आता है तो इसमें क्लिक करके आप एडिशनल CSS स्टाइल अपग्रेड कैसे करना वो भी चेक कर लिए, और ह्यूमन एडमिन सेटिंग और ये भी देख लीजिए आप कैसे रहता है बॉटम कैसे रहना है, देखो हेल्प बटन इन द एडमिन बार करके बहुत सारे ऑप्शन दे रखा है,
तो यही है इसका थीम का मेन चीज़ है। तो